नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 दोस्तों, 9 नंबर जो होता है वो उसका रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो मार्स यानी मंगल। कहते हैं कि मंगल जो है, नाम ही मंगल है तो फिर वो मंगल ही मंगल करेगा। जी हाँ दोस्तों, नाम अगर मंगल है और 9 नंबर जो है अगर वो 9 नंबर है तो वो अपनी जितनी भी 1 से लेके 8 तक के सारी लोगों की जो क्वालिटीज़ है उन सारी चीज़ों को समेटता हुआ है। समेटता हुआ मतलब, सपोज़ यदि एक नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, सेकंड में कुछ कमी है, 3 में कुछ कमी है, 4th में कुछ कमी है, 5th में कुछ कमी है, वो सारी चीज़ों को एक 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 चीज़ों को उठाते हुए ये नंबर 9 तक आते हुए, जिसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है और जिसके इष्ट जो हैं वो हनुमान जी हैं और जिससे कोई भी काम असंभव नहीं है, जिनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो हमेशा उड़ना चाहते हैं, उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। 9 नंबर वाले हमेशा उड़ना चाहते हैं, उनके रास्ते में कोई ना आए, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, वो जिसके साथ हैं वही सही है, वो जो बोलते हैं वो सही है और वो जो कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर चीज़ उनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चाहिए, हर चीज़ पे उनकी नज़र रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन परफेक्शन जो चीज़ है वो उनके अंदर है और वो उनको अपने रिलेटेड लोगों से भी चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो उससे उनके मन में चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है। यानी खुद भी ऑर्गेनाइज रहना और अपने अगल बगल के लोगों को ऑर्गेनाइज करना ये नंबर 9 वालों को की जो है वो खासियत होती है। ठीक उसी तरह से आपने जैसे देखा था कि जैसे हनुमान जी ने जब बड़े बड़े काम करने शुरू किए तो उनके साथ जो रिलेटेड लोग थे उन लोगों ने भी बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। वो लोग भी अपने अपने लाइफ अपने अपने पोटेंशियल को समझते हुए वो प्रोग्रेस करने लगे। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ के बीज में जाके, किसी भी चीज़ के मेन रूट में जाके उसके फैक्ट्स को बताना जो है वो इनका काम होता है। ये बहुत 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 ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से वाले मीन्स एक बार अगर गुस्सा आ गया तो फिर कुछ भी होगा। दोस्तों कभी कभी आप देखते हो कि अरे यार ये तो बड़ा सीधा था, बड़ा ही शांत था, बड़ा ही प्यार से बात करता था, बहुत ही लविंग था और मतलब इतना केयरिंग था, इतना केयर करने वाला, इतना लव करने वाला, मतलब आपको दुनिया की बोलते हैं कि दुनिया की जन्नत में बिठा देने वाला इंसान। लेकिन सडनली जब 9 नंबर वाले को गुस्सा आ गया वो कुछ भी नहीं बोलेगा, और वो कब उसको किस बात का बुरा लग जाए और फिर वो रावण की लंका भी जला देगा। तो आप हमेशा देखिए कि 9 नंबर वाले जो हैं वो 9 नंबर वालों को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है, हर बात में गुस्सा आता है। और कई बार क्या होता है कि ये आपकी पूरी बात नहीं सुनते, आपकी पूरी बात नहीं सुनते और आपकी पूरी बात नहीं सुनने से पहले ही ये उनको लगता है कि आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा देखिएगा ये चीज़ें जो उनके अंदर है मिलेगी और ये चीज़ें जो है वो उन्हें खराब कर देती हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब इसमें भी अलग 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 साइंस के अलग 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 जो जोडियक होते हैं उनके नंबरों के हिसाब से होता है। जैसे कि 12 जोडियक होते हैं तो 12 जोडियक के साथ ये 9 नंबर किस तरह से रूल करता है और किस तरह से जाता है, लेकिन बेसिक नेचर जो इसका ये होगा वो ये चीज़ होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होगा। जैसे कि सपोज़ आपने हनुमान जी को देखा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हनुमान जी रावण की लंका जला देंगे, लेकिन उन्होंने रावण की लंका जला दी। और जैसे ही वो जलाते हैं इसके बाद भी वो क्या होते हैं कि और जैसे ही सब लड़ाई झगड़ा और सब कुछ हो जाता है, 2 मिनट के बाद ही उनको रियलाइजेशन होता है
और वो रियलाइजेशन का जो पश्चाताप है वो भी आप देखेंगे कि इतने लंबे समय तक होता है, इतने लंबे समय तक होता है वो क्योंकि वो डीपर होता है, वो एकदम अंदर तक होता है, रूटेड होता है। और इसके बाद उनको खुद भी नहीं पता चल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, कोई भी आप देखिएगा उनको खुद को पता नहीं चलता कि उन्हें गुस्सा क्यों आया था। और फिर वो आपको ही आके बताने लगे कि तुमने इसलिए ऐसा किया मेरे साथ इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और दो मिनट में उनको रियलाइज होगा और रियलाइज होने के बाद फिर से वो उन्हीं चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं। और वो बार बार अपने अंदर से लेके बाहर से लेके हर तरह से वो हर वे में वो आपको सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे, आपको पिक्चर ले जाएंगे, आपको बाहर लेके जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी जगह खाना खिलाएंगे, आपको शॉपिंग कराने लेके जाएंगे, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। भावनाओं का ख्याल रखने वाले हमेशा होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इनको कभी कभी गुस्सा आ गया या कभी इनका टेम्पर आ गया, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, और क्वालिटीज़ तो इनके अंदर इतनी भरी होती, आप देख लीजिए कि हनुमान जी अपनी क्वालिटीज़ के बदौलत ही पूजे गए, क्योंकि उनका नाम ही है मंगलकारी। बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े काम करने वाले थे, और बड़े से बड़ा काम करने, बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और जो रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो ऐसा ये नंबर होता है जो अपने लिए। अपने साथ साथ आप हमेशा देखेंगे कि ये अगर आपकी वाइफ है 9 नंबर की, तो आप देखेंगे कि वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बहू है तो आप देखेंगे कि वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि उसके लिए उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी होने के बाद ख़त्म हो जाती, नहीं नहीं वो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ठीक 3 नंबर वालों की तरह। और कई बार आप देखेंगे कि 3 नंबर से भी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो वो कभी भी ये सोचते नहीं है जिम्मेदारी निभाना हो जहाँ पर, और भावनाओं का ख्याल रखने वाले। तो आपकी तो आप देखेंगे बस इनका जो एक ही माइनस पॉइंट होता है वो इनका क्रोध होता है। और कहते हैं कि अपने क्रोध पापस्य मूल कारणम, तो एंगर इज फायर। कहते हैं कि जो क्रोध है वो क्या है, आग की तरह है, जिसका कोई धर्म नहीं होता, जो क्यों आता है कब आता है, तो ये एक चीज़ जो है वो। तो ऐसे लोगों को अपनी जो सारी क्वालिटीज हैं इनके अंदर, और साइकिक है, इंट्यूशन होता है, और ये अपने साथ के लोगों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट करके रखते हैं कि अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ के लोगों के साथ और कैसा भी है होना चाहिए, वो कैसे इम्प्रूव करने चाहिए हर पल उनको। अगर किसी को इम्प्रूव करना है तो ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, और वहाँ ये मान सम्मान और किसी, कभी इनका आप देखेंगे तो इनका इनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि ये बिल्कुल स्थिर ही नहीं रहते। वो देखते हैं, अरे देखो ये चीज़ ऐसी, हाँ हाँ तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, तो वो तमाम तरह के डायरेक्शंस में आपको लेके जाते हैं कि ताकि आप एक डायरेक्शन पकड़ के आप उस सही दिशा की तरफ चल सको। तो ये है एक बेसिक क्वालिटी और बेसिक नेचर जो है वो 9 नंबर वालों की है दोस्तों। और अगर ये अपने क्रोध को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, और किस तरह से जोडियस साइन के हिसाब से कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको इन दूसरे वीडियोस में बताऊंगी, जब मैं जोडियस साइन के बारे में बताऊंगी तब। तो ये है उनकी बेसिक क्वालिटी, और क्वालिटीज से भरे हुए होते हैं, मीन्स मोस्ट क्वालिटेटिव नंबर इज 9 नंबर। तो जैसे जैसे ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी क्वालिटीज भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये थे मेरे 1 से लेके 9 तक के नंबर के बेसिक। इसके बाद मैं बताऊंगी कि और नंबरों का क्या खेल होता है हमारे जीवन में, और नंबर किस तरह से हमारे जीवन को रूल करते हैं, और नंबरों की हमारे लाइफ में क्या वैल्यू होती है, और वो जोडियक साइन के हिसाब से जो भी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।